बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी, स्पेशल बिरयानी। तो उसके लिए मसाला तैयार करना है, तो चलिए मसाले को हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ये तकरीबन एक चाय का चम्मच ज़ीरा है मेरे पास, हम वो डाल देते हैं इसमें। ये काली मिर्च है मेरे पास, एक चाय का चम्मच वो डाल दूँगी। और ये एक तेज़पात है मेरे पास, ये मैंने वो डाल दिया। और ये दालचीनी की स्टिक है, ये डाल दूँगी। ये 10 अदद लौंग है मेरे पास, वो डाल दूंगी। ये 3 बड़ी इलायची, ये इसमें जाएंगी। बादियान के फूल है 2, वो जाएंगे इसमें। ये तकरीबन एक चाय का चम्मच धनिया साबुत इसमें जाएगा। चले इसको हम भून लेते हैं। चलिए देखिए हमारा मसाला फ्राई भी हो गया और ठंडा भी हमने कर लिया इसको। अब इसको हम पीस लेंगे। अब इसमें हम, ये मेरे पास जावित्री है, ये डाल दूंगी। और ये जायफल का एक टुकड़ा, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसको पीस लेंगे। ये देखिए मसाला ये पीस के। ये तकरीबन हमारा 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के लिए ये हमारा मसाला इनफ है। अब इसमें हम ये तेज़पत्ता डाल देंगे। ये मेरे पास छोटी इलायची है, 5 अदद वो डाल दूंगी। और ये मेरे पास आलू बुखारा है, वो इसमें हम डाल देंगे। मैं 5 अदद डालूंगी इसमें। ये देखिए, और बाकी जो नमक मिर्च है मैं वो अलहदा से डालूंगी। अगर आपने बना के रखना है तो आप इसमें डाल के, तो तकरीबन 1 मंथ के लिए और 1 साल के लिए भी आप इसको बना के रख सकते हैं। तो मैंने अभी तैयार करके और अभी बिरयानी बनानी, इसलिए मैं इसमें सब कुछ नहीं डालूंगी। ये मेरा बिरयानी मसाला डन हो गया। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बना रही हूँ। तो ये प्याज देखें, ये मैंने प्याज को मैंने ब्राउन कर दिया। अब हम इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे। ये निकाल दिया और आधा इसमें है। तो गोश्त को मैंने गला लिया था पहले से ही, तो इसमें हम अब गोश्त डाल देंगे। ये मैंने खड़े मसाले डाले इसमें, तो अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। हमने गोश्त इसमें डाल लिया। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में चिकन में भी ऐसे तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
अदरक डाल के थोड़ा भूनना है इसको। और इसमें ये टमाटर जाएंगे तो थोड़े से मैंने रख लेने हैं, इतने से सिर मैं सेव करूँगी दम पे लगाने के लिए। इसमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक मैंने गोश्त में भी डाला है और चावल में भी डाला है, अपने हिसाब से अब नमक डालूंगी मैं इसमें, कम ज़्यादा फिर हम बाद में देख लेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन एक बड़ा चाय का चम्मच जो है वो डाल दिया, और मिर्च डालेंगे हम इसमें एक चाय का चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन ये आधा चाय का चम्मच, बस इतनी ही। इसका हमने अच्छा सा कोरमा तैयार करना है। ये लेमन जूस है मेरे पास, ये मैं डाल दूंगी इसमें। और ये बिरयानी मसाला जो मैंने तैयार किया वो इसमें जाएगा। हरी मिर्चें मैं इसमें साबुत ही डालूंगी। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, ये सिंधी बिरयानी जैसा बन रही है तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। को अच्छे से भून के और आधा हमने इसका गोश्त जो है सेपरेट कर लेना है और आधे नीचे तैप लगानी है, तो फिर मैं आपको ये भून के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने आधा जो गोश्त है वो सेपरेट कर दिया है, ये देखिए ये मैंने आधा सेपरेट कर दिया है। अब इसमें हम चावल की कोर लगाएंगे, ये देखिए। थोड़े पुदीने के पत्ते डालेंगे, और थोड़ा सा हम ये प्याज जो ब्राउन का हमने निकाला हुआ था वो डाल देंगे इसमें। ये टमाटर डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम फिर दूसरी लेयर लगा देंगे इसमें।
देखें ये प्याज मेरे पास है, मैं इसमें डाल दूँगी। ये पुदीना डाल देंगे इसमें। और ये टमाटर, और ये मैं लेमन थोड़ा सा इसमें डालूंगी। और ये हरी मिर्च इसके ऊपर हमने वो डाल देनी है, और थोड़ा सा हमने ब्लू कलर डालना है। फूड कलर आप इसमें डाल दें, तो थोड़ा सा मैं इधर डाल दूंगी, थोड़ा इधर डाल दूंगी। तो चले हुए बस इसको हम भूख देते हैं। अब इसको दम लगा दें, मिलते हैं हम इसको। ये दम पे लगाइए, ये दम इसका बिल्कुल क्लियर होता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए ये देखिए बिरयानी का हम ढक्कन उतार के देखते हैं, हमारी बिरयानी तैयार होगी तकरीबन। ये देखिए ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आया। ये देखिए चलिए हम इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए ये मेरी रेसिपी का फाइनल लुक है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हमारी आईडी सेम रुबीना फूड आइडियाज़ सेम आईडी है हमारी इंस्टा पे। तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।